What's up guys? इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि PHP और MySQL की मदद से एक लॉगिन सिस्टम किस तरह बनाया जाता है। हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे कि एक PHP वेबसाइट में लॉगिन सिस्टम को किस तरह बनाया जाता है। यार लॉगिन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे भी कोई आप एक बड़ा सिस्टम लॉन्च करते हैं तो आप लोग यूजर ऑथेंटिकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि एरर वगैरह नथु वगैरह कोई भी आपकी वेबसाइट पर आके और कुछ भी करने लग जाए। तो आप लोग या तो यूजर्स बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, या फिर आप एक्सेस को किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं बेसिकली। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि PHP की मदद से ये काम किस तरह करते हैं। गाइस PHP एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और एक अच्छी लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट का, जहाँ पर नाम आता है। मैं पाइथन वगैरह को काफ़ी एडमायर करता हूँ, लेकिन मैं PHP को भी मानता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या PHP खत्म है, कैरियर PHP क्या बेकार है। नहीं गाइस, अगर आप लोग PHP आपको अच्छी लगती है, आपकी जमती है PHP में प्रोग्रामिंग, तो आप लोग करें। PHP का फ्यूचर भी है और PHP एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं अपने लॉगिन सिस्टम के साथ। मैं यहाँ पर कुछ टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। एक तो उनमें से विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक IDE है, IDE कम सोर्स कोड एडिटर। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग जा सकते हैं, VS कोड इंस्टॉल लिख सकते हैं, और आप जैसे ही VS कोड इंस्टॉल लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड यहां पर खुलकर आ जाएगा। आप लोग यहां पर जाकर यूजर इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू शुड बी गुड। उसी के साथ साथ मैं यहां पर एक XAMPP यूज कर रहा हूं। XAMPP अगर आप लोग PHP में प्रोग्रामिंग करते हैं तो शायद आप लोग को मालूम हो, लेकिन अगर आप लोग को नहीं मालूम तो आप लोग XAMPP को इंस्टॉल कर लें। ये एक अपाचे सर्वर, PHP, MySQL ये सब चीजें आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर देता है। आप लोग यहां पर पहला वाला इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड 64-bit करके, और इसको इंस्टॉल कर लें। ये क्या करेगा, सी डायरेक्टरी में आपकी एक फोल्डर बना देगा, उसका नाम होगा XAMPP। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यहाँ पर एक XAMPP फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको जाना है htdocs के अंदर। htdocs नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाना है, और यहाँ जितने भी फोल्डर्स हैं सब आपकी एक एक वेबसाइट है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा phpMySQL, या फिर लॉगिन phpMySQL रख देता हूँ। थोड़ा मैं ईजी रखूँगा ताकि टाइप करने में ईजी रहे, तो मैं लॉग PHP रख देता हूँ, तो या फिर लॉगिन रख देता हूँ यार सिर्फ। तो नाम आप कुछ भी चुन सकते हो यार, नाम में कुछ नहीं रखा है। मैं यहाँ पर इस फोल्डर को खोलूँगा। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को ये फोल्डर में खोलने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो, जैसे आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पर अपना टर्मिनल खोल पाओगे। अगर आप मैक या लिनक्स में भी हो तो आप टर्मिनल से कोड स्पेस डॉट लिख दो और एंटर मार दो। ये तरीका उन लोगों का काम नहीं करेगा जिन लोगों ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है सही से। आप लोग का ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए कोड, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फाइल में जाकर, ओपन फोल्डर में जाकर ये फोल्डर खोल सकते हैं। उसमें आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पुराना वाला फोल्डर अपना बंद कर दूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा, और यहाँ पर जो है मेरा ये लॉगिन वाला फोल्डर खुल चुका है। विजुअल स्टूडियो कोड का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। जैसे ही वीडियो तैयार हो जाएगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। उससे क्या होगा, मैं आप लोग को उस वीडियो का लिंक दे पाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड बताने वाला हूँ। तो कमेंट जरूर कर देना आप लोग नीचे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लॉगिन में जाऊँगा, यानी कि अपने लॉगिन फोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर readme.txt नाम की एक फाइल बनाऊँगा। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, मैं ये फाइल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यार हम लोग क्या करने वाले हैं अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो यार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 फाइल्स बनाएंगे। पहली फाइल का नाम होगा यहाँ पर क्या, config.php, ठीक है, या फिर connect.php रख दो, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एक होगा हमारा login.php, एक होगी हमारी फाइल register.php। ये दोनों फाइल्स तो आपको समझ में आती होंगी। इसके बाद होगा हमारा एक वेलकम पेज जो कि है welcome.php, एक होगी हमारी logout.php। तो ये 5 फाइल्स हमारी बनेंगी। इनका नाम बता रहा होगा यहाँ पर क्या कर रही हैं, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। config.php क्या करेगी, कन्फिगर करेगी डेटाबेस को, ठीक है। login.php क्या करेगी, login.php कुछ नहीं करेगी, लॉगिन करवाएगी यूज़र को। तो लॉगिन करवाएगी यूज़र को, मैं किस तरह लिखूँ इस चीज़ को, मैं लिख देता हूँ कि अलाउज यूज़र टू लॉगिन। हमारी register.php क्या करेगी, हमारी register.php अलाउज यूज़र टू रजिस्टर। welcome.php क्या होगा, अगर लॉगिन सक्सीड हुआ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ If user was able to login, redirect him to welcome page. और logout क्या होगा, allows user to logout, ठीक है, logout। तो ये हमारा एजेंडा है इस वीडियो का।
इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूंगा अपने फोकस को आप बांध लें, ध्यान से देखें जो मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को नीचे लाइक कर दें और यार मुझे नीचे अपना नाम और आप कहाँ से ये जरूर बता देना। मैं अपनी एक ऑफिशियल स्टूडेंट की लिस्ट मेंटेन करके रखता हूँ, उसमें मैं नाम सारे के सारे ऐड करके रखता हूँ। तो यार काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, और जितने लोग कमेंट करेंगे सबको मैं एक एक दिल दूंगा। यहाँ पर मैं ये सारी फाइल्स को ज़रा तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले config.php, इसके बाद मुझे बनानी थी login.php। एक फाइल थी हमारी logout.php, एक हमारी फाइल थी welcome.php, वो भी बना लेता हूँ welcome.php। एक फाइल हमारी यहाँ पर थी, क्या हमारी फाइल, यार मैं बड़ा भुलक्कड़ आदमी हूँ, लॉगआउट बनाया, लॉगिन बनाया, कॉन्फिग बनाया, रजिस्टर नहीं बनाया मैंने, तो register.php। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 फाइल्स बना ली हैं, और एक हमारी readme.txt तो है ही है। readme.txt को मैं यहाँ पर रखूँगा, क्यों रखूँगा, क्योंकि यार यहाँ पर हमें कुछ भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कोई नोट्स बनाने की, लिखने की, इसलिए मैं readme.txt यहाँ पर रखने वाला हूँ। गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन लोगों ने XAMPP सही से इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो यार XAMPP आप लोग इंस्टॉल कर लें सही से। अगर आप लोगों ने, आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है XAMPP इंस्टॉल करने में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने लर्न PHP इन वन वीडियो नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने आप लोग को शुरू से आखिर तक बताया हुआ है कि इस तरह के काम कैसे किए जाते हैं, XAMPP इंस्टॉल करके आप लोग किस तरह अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, XAMPP कंट्रोल पैनल अपना खोल लूँगा। आप लोगों को सिंपली यहाँ सर्च करना है XAMPP कंट्रोल पैनल, और आपका ये कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। अपाचे को स्टार्ट करूंगा, MySQL को स्टार्ट करूंगा, और ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं होना चाहिए। कभी कभी इशू आता है लोगों का, तो मैं कहूंगा कि जो भी प्रोसेस आईडी आपकी यूज़ कर रही है MySQL, यानी कि जो भी पोर्ट आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं पोर्ट में, उन प्रोसेस आईडी को आप लोग देख लो और आप लोग इसको डीबग कर लो खुद। तो यार इसके काफ़ी ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी, स्काइप जब इंस्टॉल होता है तो आप स्काइप को ज़रा क्लोज कर लो और शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो यार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ 99% लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग आगे बढ़ें सीधे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखूंगा, मैं डैशबोर्ड पर आ गया हूँ, PHP MyAdmin पर क्लिक करूंगा, और आप देखो यहाँ पर PHP MyAdmin मेरा खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं एक नया डेटाबेस बना लूँगा, और उस डेटाबेस का नाम मैं क्या रखूँगा, लॉगिन रखूँगा, तो या फिर लॉगिन सिस रखूँगा, लॉगिन रख देता हूँ। हम लोग सब कुछ लॉगिन नाम रख रहे हैं, सिंपली आप लोगों को लॉगिन लिखना है। यहाँ पर न्यू पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट डेटाबेस में लॉगिन पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब क्या हो रहा है कि मेरा नया डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नई टेबल बनाऊँगा, और उसमें क्या करूँगा, सारे के सारे यूज़र्स को स्टोर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी config.php फाइल को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। config.php फाइल हमारी पहली फाइल है जहाँ से हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो यार PHP का जो सिंटैक्स है उसको हम लोग यहाँ पर जो लिखी जाती है PHP, इस तरह इसके अंदर लिखी जाती है PHP, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानता हूँ इस चीज़ को, अगर आप लोग कमेंट्स में इनक्लोज कर दें अपना जो भी डिटेल्स है, ऑथर वगैरह, वो सब चीज़ें मैं डालता हूँ इसमें। लेकिन क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल है और ये सारा का सारा कोड मैं आपको देने वाला हूँ, आप लोग टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस मत देना, आप लोग यहाँ पर फोकस दो समझने में कि ये काम कैसे हो रहा है, ताकि आपको अपनी वेबसाइट के लिए फ्यूचर में अगर कन्फिगर करने की ज़रूरत पड़ गई तो आप लोग यहाँ पर समझ पाओ इसको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस फाइल कंटेन्स डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो डेटाबेस की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिख दी है, कॉन्फ़िगरेशन एज्यूमिंग यू आर रनिंग, मैं यहाँ पर F1 दबाकर टॉगल वर्ड रैप कर लूँगा, उससे क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं होगी मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, मेरी जो टेक्स्ट है, एज्यूमिंग यू आर रनिंग MySQL यूजिंग रूट, यूजिंग यूज़र रूट, तो आपका जो यूज़र है वो रूट है और आपका पासवर्ड ब्लैंक है। जब आप XAMPP इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो यूज़र होता है वो रूट होता है और पासवर्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ नेम्स को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफाइन, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूँगा db_, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमा लगा दूँगा। आप लोग कहोगे यार ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चलाकी कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा इसको, मैं यहाँ पर मुझे करने हैं 4 नेम्स डिफाइन, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको रेप्लीकेट कर ले लो Ctrl+D से। आप लोग देख लो आपका शॉर्टकट क्या है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा सर्वर, और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम और पासवर्ड। इससे क्या होगा, सिंपली मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, मैं इनको नेम्स को यूज़ करके सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपनी जो मेरी जिस भी फाइल में मैं इसको इंक्लूड करूँगा config.php में, उसमें इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो DB सर्वर है लोकल होस्ट, और उसके बाद यूज़र रहेगा हमारा रूट, और हमारा जो पासवर्ड है वो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। डेटाबेस का नाम मैंने लॉगिन चुना ही है, ठीक है। Ctrl+S को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कनेक्टिंग टू डेटाबेस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राई कनेक्टिंग टू द डेटाबेस।
अब यहाँ पर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा डेटाबेस से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डॉलर कॉन इज इक्वल टू, यानी कि कनेक्शन इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डी बी सर्वर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डी बी यूज़र नेम, तो इसका जो इंटेलिजेंस है वो काम करेगा, डी यू लिखूँगा, तो यहाँ पर डी बी यूज़र नेम मुझे नहीं दिखा रहा है, डी बी अंडरस्कोर यूज़र नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डी बी अंडरस्कोर पासवर्ड, ये देखो आ गया, और उसके बाद होता है हमारा डी बी अंडरस्कोर नेम, तो हमारा जो डेटाबेस का नेम है वो, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना आप कभी भी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चेक करूँगा कनेक्शन को, चेक द कनेक्शन, तो कनेक्शन हमने बना लिया, अब चेक करते हैं, तो मैं लिखूँगा इफ डॉलर कॉन, यानी कि अगर कनेक्शन बन गया नहीं बना है, ठीक है, इक्वल्स टू फॉल्स, अगर मेरा जो डॉलर कॉन है वो फॉल्स है तब क्या करो, तब यार यहीं के यहीं बता दो कि भाई आपका कनेक्शन ही नहीं बन पाया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डाई और यहाँ पर लिखूँगा एरर, और उसमें मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा कांट कनेक्ट, कैन नॉट कनेक्ट लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जाऊँगा अपना ये खोल लेता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन, जैसे ही करूँगा यहाँ पर ये फाइल्स मुझे दिखा रहा है, तो देखता हूँ कॉन्फिग डॉट पी एच पी कोई एरर तो थ्रो नहीं कर रही है, तो ये नहीं कर रही है एरर थ्रो, बढ़िया यहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखा रही है, और काफ़ी बढ़िया हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगली फाइल पर बढ़ते हैं हम अपनी, अब अगली फाइल पर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर डॉट पी एच पी, हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, यानी कि कहाँ पर हमारा यूज़र रजिस्टर करेगा, लेकिन रजिस्टर डॉट पी एच पी को बनाने से पहले हमें एक फॉर्म लेना होगा, और उस फॉर्म को लेने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की सहायता लूँगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम में, मैं फिर से बता रहा हूँ ये बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल नहीं है, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको टेम्पलेट बनाने में या फिर कुछ ऐसा करने में कि आप लोग को भी लगे यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा बूटस्ट्रैप की जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको, कंट्रोल वी से इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा यहाँ पर पी एच पी लॉगिन लिख दूँगा, पी एच पी लॉगिन सिस्टम, और यहाँ पर मैं ज़्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में जाऊँगा, कंपोनेंट्स में जाकर एक डार्क नेव बार जो है वो ले लूँगा, नेव बार में जाऊँगा, अगर आप लोग को नहीं आता है ये स्टेप तो आप लोग मेरा बूटस्ट्रैप के वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर काफ़ी चीज़ें अपलोड हो रखी हैं तो आप लोग वो देख सकते हैं, तो इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ पर अपने एच वन की जगह इस नेव बार को डाल दूँगा, और यार मुझे फॉर सम रीज़न जो डार्क नेव बार है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको डार्क कर दूँगा, लाइट की जगह इसको मैं क्या करूँगा डार्क कर दूँगा, कंट्रोल से सेव किया मैंने, अब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर इसको मेरा जो रजिस्टर पेज है उसमें मैं देख रहा हूँ, तो पी एच पी लॉगिन सिस्टम यहाँ पर आ गया, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करूँगा, नहीं मैं इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस सिंपली ये तीन रखूँगा, बाकी सारे लिस्ट आइटम्स को मैं हटा दूँगा, तो इनको कोलैप्स करके मैं हटा दूँगा, ज़्यादा मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना चाहता कि कैसे काम करती है, मैं यहाँ पर लॉगिन सिस्टम लिख देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, रिलोड करूँगा तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा दिख रहा है। अब मैं बूटस्ट्रैप के ही कंपोनेंट से क्या करूँगा, फॉर्म उठाऊँगा, और फॉर्म से मतलब यहाँ पर मैं ज़्यादा आप लोग को ये नहीं बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसे की जाती है, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, बूटस्ट्रैप वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, आप देखो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्म ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँगा बूटस्ट्रैप का, कंटेनर भी अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो ये ट्यूटोरियल नहीं है बूटस्ट्रैप का, मैं बस बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग अपना जो भी यूज़ करते हो फ्रंट एंड के लिए वो आप यूज़ करो, और यहाँ पर आप लोग शुड बी गुड। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, जो मेरा कंटेनर है ना उसको मैं मार्जिन दूँगा टॉप में 4 की, कंट्रोल से सेव करूँगा, थोड़ा सा अब मुझे अच्छा दिखेगा मेरा लॉगिन सिस्टम, रिलोड किया यहाँ पर, और यार यहाँ पर H1 टैग भी मुझे लगा देना चाहिए था, तो सिंपली क्या करूँगा मैं आऊँगा अपने कोड में, कोड में आकर यहाँ पर कंटेनर के बाद यहाँ पर H1 टैग लगा दूँगा, पहले लगा हुआ था वैसे H1 टैग मैंने हटा दिया उसको, कोई बात नहीं यार चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं H1 से इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि प्लीज़ रजिस्टर हेयर, कंट्रोल S से इसको मैंने कर लिया सेव, अब देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है, तो यार H1 थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा, मैंने खुद अभी बोला था कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक मुझे लगता है कि यार एक बेसिक हमारा हमारी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए एक बेसिक लेवल पे, तो थोड़ा ट्यूटोरियल में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, H3 को थोड़ा सा ऊपर ला सकता हूँ, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ सिंपली इसको अच्छा दिखाने के लिए, तो ये ज़्यादा ऊपर चला गया, मैंने कंटेनर से बाहर ही कर दिया इसको, तो ठीक है ये मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक HR लगा दूँगा,
एचआर से क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी और अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, प्लीज़ रजिस्टर हेयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, रजिस्टर हेयर। देखो एक वेब डेवलपर और एक डिज़ाइनर आप लोग हैं अगर, तो आप लोग एक बेसिक अच्छी वेबसाइट देखना चाहेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन का जो एक बेसिक होता है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आप लोग को लगेगा कि हाँ यार इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने register.php बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, काम को बचाने के लिए इसी को कॉपी करके login.php में भी डाल दूंगा। हम लोग यहाँ पर PHP भी लिखेंगे, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली चीज़ों को आसान बनाने के लिए रजिस्टर को यहाँ पर लॉगिन कर दूंगा, लॉगिन हेयर। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेविगेशन बार में यहाँ पर लिख दूंगा लॉगिन, यहाँ पर रजिस्टर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर लिख देता हूँ। और होम में भी मैं क्या करूँगा, जो मेरा होम पेज रहेगा उसमें भी मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा लॉगिन रजिस्टर, लेकिन अभी के लिए मैं रजिस्टर को होम पेज मान रहा हूँ। रजिस्टर मैंने किया और यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों पर, तो मैं /register.php इसको कर सकता हूँ। तो ये सारे काम आप लोग कर लेना, मैं भी यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर पेज बनाऊंगा, लॉगिन पेज बनाऊंगा, रजिस्टर से आपका डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन से आप लॉगिन कर पाएंगे और वेलकम पेज पे जाएंगे, उसके बाद आप लॉगआउट कर पाएंगे। तो हम बाद में इसको संवार लेंगे वेबसाइट को, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं अगर जाऊँ रजिस्टर में, यहाँ पर देखो काफ़ी फील्ड्स हैं, हम क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे अपनी यूज़र से, ये अब हमें डिसाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर register.php बनाएंगे अब कि यूज़र रजिस्टर कर पाए। तो आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं कोड रजिस्टर का। तो मैं क्या करूँगा, रजिस्टर को पोस्ट रिक्वेस्ट भिजवाऊंगा इसी रजिस्टर पेज में। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी PHP लिखनी होगी बस, बाकी काम तो खुद हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क ये और यहाँ पर PHP, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रिक्वायर वंस एक बार इंक्लूड करेगा मेरी config.php को, और मैंने इंक्लूड कर लिया config.php को। अब मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक तो यूज़र नेम बनाऊंगा और एक बनाऊंगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और इन तीनों को मैं ब्लैंक कर दूंगा, इन तीनों को confirm_password_password, और इन तीनों को मैं इनिशियलाइज़ कर दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो ये तीन मैंने वेरिएबल बनाए, तीनों को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इन्हीं के मैं कुछ एरर्स बनाऊंगा कि अगर एरर आ गया तब क्या करना है। तो मैं _err लगा दूंगा यहाँ पर, और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में भी अगर एरर आएगा तो यहाँ पर VS कोड के मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो है दो बार मैंने एरर लिख दिया। तो मैंने पासवर्ड का एरर और पासवर्ड यूज़र नेम एरर, पासवर्ड एरर, कन्फर्म पासवर्ड एरर, ये मैंने 6 वेरिएबल टोटल यहाँ पर बना लिए हैं और इनको मैंने ब्लैंक से इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट मारता है तो मैं कहूँगा if$, और यहाँ पर लिखूँगा _server, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा request_method। तो ये PHP का सिंटैक्स है, ये जैसे पाइथन में हम लिखते हैं request.method equals to post। अगर आप लोगों को नहीं आता पाइथन तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं सिंपली बता रहा हूँ कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी गई है तब ऐसा करो। मैं आ गया अपने इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखूँगा कि यार कहीं यूज़र नेम एम्प्टी तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक इफ़ यूज़र नेम इज़ एम्प्टी, ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चेक इफ़ यूज़र नेम इज़ एम्प्टी, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र नेम हमारा कहीं एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। अब आप लोग को लगेगा यार कि इतने सारे चेक्स हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन यार जब एक लाइव वेबसाइट होती है उसमें ये चेक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग एम्प्टी यूज़र नेम से अकाउंट बनाएंगे आपका, एम्प्टी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी ये सब चीज़ों को ठीक करना, आपकी रहेगी। तो हम कहेंगे कि जो मेरा पोस्ट है उसका जो यूज़र नेम है उसको चेक करो, और ये देखो कि यार कहीं वो ब्लैंक तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो यहीं पर क्या करो, एक एरर थ्रो कर दो। तो मैं क्या करूँगा, $username_error में इस वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। मैं कहूँगा कि यार इसमें स्टोर कर दो क्या, मैं कुछ ऐसे लिख दूँगा यूज़र नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है, मैंने ये एरर में डाल दिया। अब देखते जाओ मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये किया चेक, ये चेक अगर पास हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा चलो ठीक है ये चेक पास हो गया, अब आगे बढ़ो। तो मैं एल्स लिखूँगा यहाँ पर, एल्स लिख के क्या होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं क्या करूँगा, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूँगा। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर $SQL = select, और यहाँ पर लिखूँगा ID from, और यहाँ पर लिखूँगा users where, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिखे सही से, यूज़र नेम इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क, अब ये क्या किया मैंने, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं माई सीक्वल पीएचपी के, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्वेरी को प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंड कर सकता हूँ वेरिएबल को स्टेटमेंट से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये लिखने के बाद लिखूँगा यहाँ पर डॉलर एस टी एम टी इज इक्वल टू माई सीक्वल आई अंडरस्कोर प्रिपेयर, और इसमें मैं लिखूँगा डॉलर लिंक डॉलर सीक्वल डॉलर लिंक डॉलर सीक्वल, तो ये क्या होगा, एक प्रिपेयर कर देगा स्टेटमेंट को। अब मैं कहूँगा कि अगर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि इफ डॉलर एस टी एम टी, तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कि बाइंड कर दो एक स्ट्रिंग को मेरे स्टेटमेंट से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई सीक्वल आई और अंडरस्को एस टी एम टी अंडरस्को बाइंड अंडरस्को पैरम, यानी कि पैरामीटर को बाइंड कर दो मेरे स्टेटमेंट से, और क्या करो एक स्ट्रिंग को मुझे बाइंड करना है, और जिस वेरिएबल से बाइंड करना है उसका वेरिएबल है पैरम अंडरस्को यूजर नेम, जो कि मैंने अभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो इससे मैंने इसको बाइंड कर दिया। अब यहाँ पर मैं सेट करूँगा पैरामीटर जिससे मैंने बाइंड किया, अभी मैंने बाइंड किया ना, तो मैं सेट करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेट द वैल्यू ऑफ परम यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं सेट करूँगा अपनी वैल्यू परम यूजर नेम की, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर परम अंडरस्को यूजर नेम इज इक्वल टू ट्रिम, ट्रिम क्या करता है आगे पीछे से देखो ये बता रहा है, स्ट्रिप वाइट स्पेस और अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो वाइट स्पेस और कुछ और कैरेक्टर का सेट होता है जो कि ये हटाता है, जैसे कि न्यू लाइन हो गया, वो सब चीज़ें हटा देता है। तो ट्रिम फंक्शन थोड़ा सा सफाई कर देता है स्ट्रिंग की, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम यूज़र नेम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेरा परम यूज़र नेम है उसमें यूज़र नेम आ गया, तो यूज़र नेम को मैंने बाइंड कर दिया अपने स्टेटमेंट से। अब हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कितना बोरिंग बन रहा है, मैं लिखे जा रहा हूँ, लेकिन यार अगर आप लोग देखोगे सही से वीडियो को तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसके बाद मॉडिफिकेशंस करने ना वो आप खुद करोगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, चलो अब यहाँ पर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एक इफ स्टेटमेंट, देखो मैं चेक्स बार बार लगा रहा हूँ, चेक्स क्यों लगा रहा हूँ मैं चेक्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि यार मुझे यहाँ पर पता चल जाएगी यार कि एरर ना है, मैं अपने यूज़र को एरर नहीं दिखाना चाहता, सब के सारे एरर्स को यहीं पर हैंडल करना चाहता हूँ। डॉलर एस टी एम टी और यहाँ पर मैंने किया इसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश, मैं कहूँगा कि यार अगर ये एरर थ्रो नहीं करता है तब क्या करो, कर दो स्टोर कर दो इसके रिजल्ट को। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एस टी एम टी अंडरस्कोर स्टोर रिजल्ट्स। अगर आप लोग को इन फंक्शन के बारे में जानना है तो मैं कहूँगा आप लोग गूगल सर्च करें, यहाँ पर मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता और मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा इनडेप्थ, अगर चाहिए तो मुझे नीचे बता देना आप लोग कमेंट में, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके दोगे तो कभी भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसका रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि यार जो मेरा ये स्टेटमेंट था जो कि मैंने रन किया, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो मैं लिखूँगा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर एस टी एम टी अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज और डॉलर यहाँ पर मैं लिखूँगा एस टी एम टी। अब यहाँ पर मैं इक्वल्स टू वन मैं लिख दूंगा कि यार अगर जो मेरा यूज़र नेम है वो ऑलरेडी टेकन है तब हम क्या करेंगे, तो यार यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है तो रजिस्टर कर रहे हैं ना, अभी हम यूज़र नेम था पहले से डेटाबेस में, तो यार मुझे अपने यूज़र नेम को यूज़र को बताना पड़ेगा। तो यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर में मैं कह दूंगा कि दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो हमने कहा कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी लिया जा चुका है, आप कृपया दूसरा यूज़र नेम लें, ये सिंपली मैंने यहाँ पर बोल दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा कि यार अगर नहीं लिया हुआ ये यूज़र नेम तब हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूँगा, और अगर हमारा ये यूज़र नेम नहीं लिया हुआ है तब क्या होगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि जो हमारा डॉलर यूज़र नेम है ना उसको सेट कर दो ट्रिम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज़र नेम, यानी कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट से यूज़र नेम आया है उससे सेट कर दो। तो मैं आशा करता हूँ कि यार यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो यार यहाँ पर तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो यार मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा था कि एग्जीक्यूट करो इस क्वेरी को, अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है तो मैं यहाँ पर एक एल्स भी लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर कहूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मैं एको कर दूंगा, मैं कहूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग, और मैं मेरी मतलब मुझे पूरा पक्के से पता है कि यार यहाँ तक नहीं आना चाहिए जो मेरा कंट्रोल है, लेकिन तब भी मैं एक डाल देता हूँ कि बाय एनी चांस मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो मुझे पता चल जाए कि कहाँ पर मैंने गलती करी है, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरा ये कौन सा वाला स्टेटमेंट चल रहा था, मैं ज़रा चेक करता हूँ। तो हमने चेक किया था हमारा यूज़र नेम एम्प्टी है कि नहीं, हमने कहा था कि अगर एम्प्टी है तो ये कर दो, एल्स में हम आ गए थे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने स्टेटमेंट को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई सी क्वल आई अंडरस्कोर एस टी एम्प्टी अंडरस्कोर क्लोज, ठीक है, क्लोज। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर एस टी एम टी। अब यहाँ पर टाइप करते करते आप लोग को, आप लोग से गलती हो सकती है, मुझे इनमें से बहुत सारे फंक्शंस याद भी हैं और मेरे पास एक चीट शीट भी है जो कि मैंने बना रखी है। मैंने वो चीट शीट बना रखी है, इसमें सारे के सारे ये पी एच पी माई एस क्यू एल के फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ जब मैं पी एच पी में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ और उसको रेफ़र कर करके उसमें से देख देख के लिख रहा हूँ। तो कोई भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन को, बस कॉन्सेप्ट को समझो, ये समझो कि किस तरह हो रही हैं सब चीज़ें। अब चलो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड को वैलिडेट करते हैं, देखते हैं कि यार पासवर्ड में कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं चेक फॉर पासवर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पर पासवर्ड को चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला चेक लगाऊंगा कि यार कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले लगाया था इफ एम्प्टी ट्रिम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पर पासवर्ड, कि यार जो हमारा पासवर्ड है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खाली है, हमारे यूज़र ने खाली पासवर्ड हमको दे दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पासवर्ड एरर, पासवर्ड अंडरस्कोर एरर, यहाँ पर ये मुझे नहीं दिखा रहा है फॉर सम रीज़न, यार इंटेलिजेंस पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही पीएचपी में। तो मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन भी इंस्टॉल नहीं की हुई है, खैर लेकिन ठीक है यार, इतना टाइप हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने लिख दिया पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा else if। तो else if होता है PHP में, Python में हमारा होता है elif। तो यहाँ पर अगर आप लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यार मुझे तो अब नहीं होती है क्योंकि आदत पड़ गई है मेरी। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पर पासवर्ड, हम लोग कहेंगे यार कम से कम 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो लेंथ है हमारे पासवर्ड का वो होना चाहिए, अगर लेस, वो अगर है लेस देन 5 तब क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर एरर थ्रो कर दूँगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ये लिख दूँगा पासवर्ड, मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा लेता हूँ, इस लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कि पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 5 कैरेक्टर्स, लेस देन 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एरर दे दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं कहूँगा चलो ठीक है यार, अगर यहाँ भी तुम्हारा पासवर्ड जो है, अगर तुमने मतलब ये दो मिस्टेक्स नहीं की हुई हैं तो तुम्हारा पासवर्ड हम ले लेंगे। तो मैं ट्रिम कर दूंगा पासवर्ड को, मैं लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने अभी यहाँ पर किया, पासवर्ड को सेट कर दिया, तो पासवर्ड मेरा सेट हो गया। अब मैं कन्फर्म पासवर्ड वाली स्ट्रिंग को वैलिडेट करूँगा यहाँ पर। तो मैं कहूँगा कि वैलिडेट चेक फॉर कन्फर्म पासवर्ड फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि if, मैं यहाँ पर लिखता हूँ if empty, अगर वो हमारी empty है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ यार, मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ कि पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस if स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड जो है वो if trim off कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, ये मेरा ट्रिम यहाँ पर बंद हो रहा है, तो मैं सिंपली देख रहा हूँ मैंने ब्रैकेट्स में क्या मिस्टेक की है, और ये मेरा यहाँ ट्रिम बंद हो रहा है, ट्रिम ऑफ ये इक्वस टू ट्रिम ऑफ ट्रिम ऑफ पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ये हटा दूंगा इसमें से, तब यहाँ पर नॉट इक्वस टू कर देता हूँ, ये बराबर नहीं है, तो मैं पासवर्ड शुड मैच, पासवर्ड मैच करने चाहिए। तो बेसिकली मैंने ये बोला कि अगर आपका पासवर्ड जो आपने डाला है वो अगर इक्वल नहीं है आपके कन्फर्म पासवर्ड के, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको एक एरर थ्रो कर देंगे। चलो यार इतना तो हुआ, अब हम क्या करेंगे, इफ़ देयर वर नो एरर्स, इफ़ देयर वर नो एरर्स गो एहेड एंड इंसर्ट इनटू द डेटाबेस। तो अगर हमारा कोई भी एरर नहीं आया डेटाबेस, अगर कोई भी एरर नहीं आया हमारा, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ एम्प्टी डॉलर यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर, अगर मेरा यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर जो है वो एम्प्टी है, एंड एम्प्टी डॉलर पासवर्ड अंडरस्कोर एरर, पासवर्ड अंडरस्कोर, ये भी मेरा एम्प्टी है, और मेरा क्या एम्प्टी होना चाहिए,
तीसरा एरर मेरा कौन सा था, कन्फर्म पासवर्ड एरर। तो कन्फर्म पासवर्ड एरर भी मैंने कुछ लिखा नहीं है, कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर एरर। तो मैं यहाँ पर वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ, वर्ड रैप पता नहीं क्यों मेरा बंद हो गया। तो हाँ बढ़िया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को खोलूँगा, इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर घुसूँगा और एक सीक्वल क्वेरी जनरेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर करूँगा सीक्वल क्वेरी को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंसर्ट इनटू, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र्स। तो यूज़र्स नाम की टेबल हमें भी बनानी है, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे अभी, आप टेंशन मत लेना। यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा, और उसमें हम वैल्यूज़ क्या इंसर्ट करेंगे, हम वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करेंगे, हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर, हमने प्रिपेयर कर दिया स्टेटमेंट अपना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर एस टी एम टी, जो मेरा स्टेटमेंट है उसको मैं बराबर कर दूंगा किसके। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले एस टी एम टी को बराबर कर देता हूँ रीडेबिलिटी के लिए। तो रीडेबिलिटी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एस टी एम टी अगर मेरा बराबर है, अगर नहीं, मैं एस टी एम टी को बोल रहा हूँ कि माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर प्रिपेयर डॉलर लिंक डॉलर मेरा यहाँ पर कौन, लिंक नहीं था कौन था मेरा, तो इसको आप कौन भी कर सकते हो, लिंक भी कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ कि पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, जब मैंने अपना प्रिपेयर किया था, तो यहाँ पर मेरा कौन वेरिएबल है, लिंक वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको कौन कर दूंगा वेरिएबल को। तो मेरा जो कनेक्शन का वेरिएबल है, कोई लोग उसको लिंक बोलते हैं, कभी इसको लोग कौन बोलते हैं, तो मैंने कौन बोल दिया अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो गया ये, चलो बढ़िया, मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने प्रिपेयर किया, पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा मेरा कनेक्शन और दूसरा मेरा रहेगा सीक्वल, तो डॉलर सीक्वल। तो मैंने यहाँ पर एस टी एम टी को ये कर दिया। तो मैं कहूँगा कि यार अगर ये प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि डॉलर एस टी एम टी, तब क्या करूँ यहाँ पर, तब सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बाइंड करूँगा पैरामीटर माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर एस टी एम टी अंडरस्कोर बाइंड परम, और इसमें मैं लिखूँगा डॉलर एस टी एम टी, और उसके बाद मैं दो स्ट्रिंग्स लिखूँगा, यानी कि एस और एस, और यहाँ पर लिखूँगा मैं डॉलर परम अंडरस्कोर यूज़र नेम, ठीक है, और परामंडस को पासवर्ड भी लिखूंगा, दो स्ट्रिंग्स है ना, तो डॉलर परामंडस को पासवर्ड, परामंडस को पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने कि अब मैं इन पैरामीटर्स को सेट करूंगा। अब इन पैरामीटर्स को मैं कैसे सेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेट दीज पैरामीटर्स, ठीक है। मैं बोलूँगा डॉलर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा परम अंडरस्कोर, फिर मैं लिखूँगा इक्वल्स टू, और मैं कंट्रोल डी दबा दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ देख लो, मैंने यहाँ पर, मैं टाइम बचा रहा हूँ बेसिकली, मैं आप लोग को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ किस तरह टाइम बचाते हैं। थोड़ा भी टाइम आप लोग बचा रहे हो ना, तो बस समझ लो कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। यूज़र नेम, तो मैंने जो यूज़र नेम सेट किया था वो मैंने यूज़र नेम ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच आता है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। देखो, परम पासवर्ड में मैं प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को कभी स्टोर नहीं करना चाहूँगा। मैंने साइबर सिक्योरिटी की बात की है अपने और भी वीडियोस में, वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो पासवर्ड होता है उसका हैश हमेशा स्टोर करो। अब ये चीज़ लोगों को कन्फ्यूजिंग लगती है यार, कि हम लोग प्लेन टेक्स्ट में क्यों ना स्टोर कर दें पासवर्ड को। यार अगर आपका डेटाबेस हैक हो गया तब क्या करोगे, इसलिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड का हैश बनाते हैं। इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लो कि आपका पासवर्ड है पासवर्ड, हैश क्या करता है, एक वन वे फंक्शन होता है। तो पासवर्ड का हैश कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा हैश दिखेगा उसका। मान लो ये पासवर्ड का आपके हैश है, इस हैश से कोई पासवर्ड तक नहीं आ सकता। अगर मान लो आपका पासवर्ड है, मान लो हैरी, मान लिया आपका पासवर्ड हैरी है, तो आपने उसका हैश जनरेट किया, तो कोई भी बंदा हैरी से यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से हैरी तक नहीं जा सकता, क्योंकि ये वन वे फंक्शन है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसकी मैथमेटिक्स में यहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा, बस आप लोग इतना समझ लो, जो पासवर्ड का हैश होता है वो क्या करता है, पासवर्ड को एक वन वे फंक्शन से पास कर देता है। अब आप लोग बोलोगे चेक कैसे करेंगे लॉगिन में, मैं फिर से जो पासवर्ड एंटर हुआ है उसको फिर से पास करा दूंगा वन वे फंक्शन से, और चेक कर लूँगा दोनों हैश मैच कर रहे हैं या नहीं। तो हम लोग पासवर्ड्स मैच नहीं करेंगे, हम लोग हैश को मैच करेंगे। ये चीज़ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आशा करता हूँ बेसिक आइडिया आपको पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, पासवर्ड अंडर को हैश करेंगे किसका, पासवर्ड का, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम यूज़ करेगा हैशिंग का। तो ये आप लोग यहाँ पर सिंपली इस तरह लिख दो। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्राई टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, लिख रहा हूँ ट्राई टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की, और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा क्या इफ़, और यहाँ पर लिखूंगा माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर एस टी एम टी अंडरस्कोर एग्जीक्यूट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको, मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा डॉलर एस टी एम टी, यानी कि जो मेरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था वो यहाँ पर मैं इफ के अंदर घुसा,
और मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप लोग ये सब सक्सेसफुल हो गया क्वेरी आपकी, तो आप क्या करो रीडायरेक्ट कर दो। अब हेडर से हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉग इन डॉट पी एच पी, कि बंदे को लॉग इन डॉट पी एच पी में भेज दो ताकि वो लॉग इन कर पाए। वरना क्या करो, अगर नहीं हो पाया ऐसा तो एल्स यहाँ पर मैं एको कर दूंगा, मैं लिखूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, कैन नॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने समथिंग की स्पेलिंग भी कर ली थी, इसको ठीक कर लेता हूँ। तो यार मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करने से पहले स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, जो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कहाँ पर चेक किया था अपना पासवर्ड, यहाँ किया था। तो ये स्टेटमेंट मैंने जहाँ, ये स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट का काम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा माई सी क्वल आई अंडर स्कोर क्लोज, तो मैं अंडर स्कोर क्लोज कर दूंगा, एस टी एम टी क्लोज, सॉरी। तो यही है हमारा, और डॉलर एस टी एम टी, तो स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कनेक्शन को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होने के बाद मैं लिखूंगा माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्लोज और डॉलर कॉन, ठीक है, डॉलर कॉन। तो मेरा कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा। काफ़ी कोड यार हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब इतना कोड इतना कोड इतना कोड। तो यहाँ पर ये मेरा जा रहा था यहाँ पर कुछ इस तरह, और ये जैसे कि जैसा ये सारा का सारा मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ। अब यार मुझे ये सारी की सारी चीज़ अंदर रखनी चाहिए थी अपने सर्वर इक्वल्स टू पोस्ट वाले के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कुछ इशू किया है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है इसको सबसे अंत में ले जाऊँगा, क्योंकि ये सारा कोड तब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब पोस्ट रिक्वेस्ट मारी गई है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मारी गई है तो मैं नहीं चाहता इस सारे को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। चलो बढ़िया, यहाँ तक हमने काफ़ी बढ़िया किया। अब ज़रा चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं यार कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो मैं अगर इसको रिलोड करूँ यहाँ पर, तो देखो लाइन 18 में कुछ सिंटेक्स एरर आ गया है। तो यार मैंने जैसे ही अपने रजिस्टर डॉट पी एच पी को खोला, लाइन नंबर 18 में कुछ एरर है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या एरर है लाइन नंबर 18 मेरी यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया है गलती से, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, वापस से जाऊँगा रिलोड करूँगा। एक और एरर लाइन नंबर 62 में है, देखते हैं लाइन नंबर 62 कहाँ पर है। लाइन नंबर 62 में एक एरर है, और एक तो यहाँ पर स्पेस है, ये एरर क्या कह रहा है। एक तो मैंने यहाँ पर सब कुछ मैंने यहाँ पर हाँ क्लोजिंग ठीक से नहीं किया इसकी। अब देखता हूँ यहाँ पर ये एरर फिक्स हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर लाइन नंबर 81 में कह रहा है कि कुछ पैरेंथेसिस मिसमैच का इशू आ रहा है। तो ये मैंने इफ स्टेटमेंट यहाँ खोला, मैं काम करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट नहीं कर पा रहा है अभी, तो मैंने पी एच पी की एक्सटेंशन एक्चुअली इंस्टॉल नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही देख लेंगे। तो ये इफ स्टेटमेंट यहाँ खुला यहाँ बंद हुआ, ये एस टी एम टी का यहाँ खुला यहाँ बंद हुआ, और ये एरर बेसिकली कहाँ पर आ रहा है ये देख लेते हैं जाकर हम लोग। लाइन नंबर 81 में आ रहा है, कह रहा है सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टिंग कॉमा और सेमी कॉलन, लाइन नंबर 81। तो लाइन नंबर 81 में यहाँ पर इसको सेमी कॉलन चाहिए। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कि इशू सॉल्व हुआ कि नहीं। चलो इशू सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए हम लोग फील्ड्स बनाएंगे। तो चलो आ जाओ यहाँ पर फील्ड्स बनाते हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरी मेन फील्ड है, बाकी सब यहाँ पर जो है बकवास है। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिख देता हूँ, और यार आप लोग अपनी और फील्ड्स भी डालना और चीज़ें भी डालना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को नहीं डालनी है। तो इसका टाइप टेक्स्ट रखूँगा, और पासवर्ड का टाइप मैं नेम रखूँगा पासवर्ड। तो यहाँ पर इसका नेम इज इक्वल टू पासवर्ड कर दूंगा मैं, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू कर दूंगा यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड, एक कन्फर्म पासवर्ड भी मुझे रखना है, ठीक है। तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उस डिव की जगह पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर भी मैं कन्फर्म लिख दूंगा, कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका नेम मैं रखूँगा कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, CNFIRM अंडरस्कोर पासवर्ड, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर मैंने इसकी आईडी वाईडी ये सब मैंने अभी ज़्यादा टेंशन नहीं ली है इन सब चीज़ों की, आईडी को चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड रखा, बाकी कोई चीज़ मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा फॉर्म है ये सबमिट जब होगा वो कहाँ सबमिट होगा, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इसमें एक तो डालूँगा कि एक्शन इज इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेथड इज इक्वल टू क्या पोस्ट, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया, रिलोड किया इसको, यूज़र नेम यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड थोड़ा अंदर घुस गया है, तो वो सारी चीज़ें हमें फिक्स करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी है ज़रूर से, मैंने यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट ये था इसको मैंने ख़राब कर दिया है।
दैट शुड बी फाइन यार। मैं अभी यहाँ पर ट्यूटोरियल इसका नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको कॉल MD6 को ख़त्म करने की करके देखता हूँ कि इशू फिक्स हो रहा है कि नहीं। हाँ इशू फिक्स हो गया, तो मैं यूज़र नेम में हैरी डालता हूँ, पासवर्ड में 123 डालूंगा। लेकिन उससे पहले यार ज़ैम्प में चल के अपनी टेबल बना लेते हैं यूज़र वाली। तो यूज़र्स नाम की टेबल बनाते हैं, और यूज़र्स नाम की टेबल में क्या क्या रहेगा हमारा? यूज़र्स नाम की टेबल में हमारा एक तो रहेगा यूज़र नेम। मैंने यहाँ पर किस तरह क्वेरी रन की है ये आप लोग देखो। तो यार मैंने यहाँ पर किया क्या है, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रिएटेड ऐड, ये चार चीज़ें मुझे बनानी है। यहाँ पर गो पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले आईडी, और आईडी एक इंटीजर रहेगी, फिर यूज़र नेम, फिर इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर मैं क्रिएटेड ऐड, क्योंकि हम टाइम भी देखना चाहेंगे कि यार कब हमारे यूज़र ने बनाया था ये। तो इसका टाइप कर दूंगा मैं डेट टाइम, तो इसका मैं डेट टाइम कर दूंगा टाइप। पासवर्ड हमारा क्या रहेगा, वैर कर रहेगा 255 का, तो मैं इसको वैर कर देता हूँ 255 का, और हमारा जो यूज़र नेम है उसको वार कर देता हूँ 50 का, ठीक है। और उसी के साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा किसको, आईडी को, तो आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बन जाएगी यहाँ पर, और दैट शुड बी फाइन यार। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प कर दूंगा, करंट टाइम स्टैम्प, और इसको सेव कर दूंगा। और ये देखो रन हो गई है, मेरा डेटाबेस बन गया है, ठीक है। अब मैंने अपने लॉगिन सिस्टम में क्या करना है, पासवर्ड चुनना है। पासवर्ड में क्या करूँगा, Harry123 चुन लेता हूँ, ठीक है। वापस से मैं Harry123 चुन लेता हूँ पासवर्ड, और साइन इन करता हूँ, और ये देखो यहाँ पर इसने लॉगिन में मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। देखता हूँ कि क्या मेरा यूज़र ऐड हुआ है, तो हाँ यार मेरा ऐड हुआ, ये Harry123 है पासवर्ड। अब लॉगिन में कैसे करूँ, प्लीज़ लॉगिन यार। अब हमारा सारा का सारा काम आ जाता है कहाँ पर, लॉगिन में, ठीक है, कि लॉगिन हम किस तरह करेंगे। तो अब हमें लॉगिन करना है, और लॉगिन करके क्या करना है, मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है, और बंदे को वेलकम पे रीडायरेक्ट करना है, welcome.php और logout.php, इन दोनों पे रीडायरेक्ट करना है। तो मैं लॉगिन सिस्टम वाले पेज को ना थोड़ा सा सिंपल रखना चाहूँगा यहाँ पर। तो हमारा जो साइनअप का पेज होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड रखूँगा, और इसका नेम इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू रख दूँगा यूज़र नेम, और यहाँ पर इसका नेम इज इक्वल टू क्या रखूँगा, पासवर्ड, ठीक है। और ये दो चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ दो चीज़ें मैंने रखी हैं यहाँ पर। मैं काम करता हूँ यार, मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूँगा, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा। मैं एक अच्छा फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा मुझे लॉगिन का फॉर्म मिल जाए। वो बूटस्ट्रैप जब तक है तब तक आप लोग आराम से कोड कॉपी करो, मस्त करो, और बूटस्ट्रैप रहेगा यार, बूटस्ट्रैप जब तक है का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये देखो यहाँ पर ये मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है ज़्यादा, और अगर मैं इसी को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने जो ये नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम किया इसको मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह डाल दूंगा इसको, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, इसको टाइप टेक्स्ट कर दूंगा, ईमेल को मैं यूज़र नेम कर दूंगा, यहाँ पर मैं यूज़र नेम कर दूंगा, और ये भी हटा देता हूँ यार, ये जो लिखा हुआ है कि विल नेवर शेयर योर ईमेल, ये स्मॉल वाला जो है ये मैं हटा देता हूँ। पासवर्ड जो है हमारा, पासवर्ड का टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड रहेगा, तो ये मैं कॉपी करूँगा, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, कहाँ गया मेरा पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, तो मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। चेक मी आउट, मैं ज़्यादा भी यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ आप लोग को चेक मी आउट बटन के बारे में, कोलैप्स करके इसको उड़ा देता हूँ फॉर्म को, ठीक है। इसका एक्शन क्या रहेगा, इसका एक्शन भी ब्लैंक रहेगा, मैं कहूँगा एक्शन इज इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट नहीं पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट आ गया, यूज़र नेम, पासवर्ड, चेक मी आउट, सबमिट, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करके जरा देखता हूँ कैसा दिख रहा है अभी। तो मेरा कहाँ गया PHP लॉगिन सिस्टम, और इसके इनके टाइटल भी मुझे चेंज करने, देखो अभी लॉगिन हेयर जो है अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मैं सिर्फ यही करना चाहता था। एंटर ईमेल की जगह मैं एंटर यूज़र नेम करूँगा यहाँ पर, जहाँ पर मैंने एंटर ईमेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मेरा कहाँ गया फॉर्म, मेरा ये फॉर्म है, यहाँ पर यूज़र नेम है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ F1 दबा के वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ, एंटर यूज़र नेम लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंटर यूज़र नेम, और यहाँ पर एंटर पासवर्ड, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल इससे मैं इसको सेव करूँगा, मैं चेकबॉक्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन तब भी मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऊपर क्या करेंगे, थोड़ी सी PHP लिखेंगे और हैंडल करेंगे अपना लॉगिन। अब हम लॉगिन को हैंडल करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस स्क्रिप्ट विल हैंडल लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन किस तरह हैंडल करना है, तो लॉगिन उसी तरह लगभग हैंडल करना है जिस तरह हमने रजिस्टर किया था। तो यहाँ पर बस चेंज क्या रहेगा, यहाँ पर हमें सेशन को सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर देता हूँ,
मैंने एक सेशन स्टार्ट कर दिया पीएचपी का। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ द यूज़र इज़ ऑलरेडी लॉग्ड इन, कि कहीं यार यूज़र ऑलरेडी लॉग इन करके तो नहीं बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ़ इज सेट, क्या मेरा यूज़र नेम सेट है सेशन का, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, क्या मेरा सेशन का यूज़र नेम ऑलरेडी सेट है। अगर सेट है तो क्या करो, तो उसको भेज दो भाई वेलकम डॉट पीएचपी में। तो मैं कहूँगा अगर ये सेट है तो उसको भेज दो वेलकम डॉट पीएचपी में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोकेशन कोलन वेलकम डॉट पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको भेज दिया, यहाँ पर एग्जिट भी कर देता हूँ ताकि आगे की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो। तो मैंने उसको भेज दिया वेलकम डॉट पीएचपी में कि यार अगर वो यहाँ तक उसका सेशन ऑलरेडी सेट था तो उसको भेज दो यार, जाओ वेलकम डॉट पीएचपी में और मज़े करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा इंक्लूड रिक्वायर वंस, रिक्वायर वंस और इंक्लूड नहीं, रिक्वायर वंस, रिक्वायर वंस और क्या कॉन्फिग डॉट पी एच पी, डेटाबेस से कनेक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डॉलर यूज़र नेम इज इक्वल टू डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग ये करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं यही काम क्या करूँगा, कंट्रोल डी करके अपना ऑल्ट दबा के मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा वी एस कोड की और अंडरस्कोर ERR लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एरर स्ट्रिंग बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, यानी कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट में किया था, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा था कि इफ़ सर्वर मेथड इक्वस टू ये, तो मैं कहूँगा कि अगर इफ़ रिक्वेस्ट मेथड इज पोस्ट, तब क्या करो, तब आ जाओ इसके अंदर। तब मैं क्या करूँगा, अगर किसी ने पोस्ट रिक्वेस्ट मार दी इस पर, तब मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम को ले लूँगा, पासवर्ड को ले लूँगा और फिर चेक करूँगा डेटाबेस में है कि नहीं, और उसके हिसाब से यूज़र को या तो भगा दूंगा या लॉगिन करा दूंगा, इन दो में से एक काम करूँगा। तो अब आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी आसान हो गई हैं क्योंकि फन पार्ट अब आ रहा है यहाँ पर। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर पोस्ट यूज़र नेम, क्या यूज़र नेम ले लो उसका, अगर एम्प्टी है यूज़र नेम तो क्या करो, डॉलर यूज़र नेम अंडरस्कोर एरर, एक एरर थ्रो कर दो और बोलो कि प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, भैया आप एंटर करो यूज़र नेम, खाली मत छोड़ो। उसी के साथ साथ अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो उसको बोलो कि यार प्लीज़ एंटर यूज़र नेम प्लस पास, मैं इसको एक ही चीज़ में हैंडल कर देता हूँ यार। तो मैं यहाँ पर इसको और लगा दूंगा यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा अगर ये होता है और ये होता है पासवर्ड, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर यूज़र नेम या पासवर्ड तुम्हारा मतलब ये है तो मैं यूज़र नेम एरर कर दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ एरर का, ठीक है। तो मैं एरर का एक वेरिएबल बना देता हूँ डॉलर ERR, ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं बनाता हूँ और ERR में सेट कर देता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया ERR, उसमें बोल दिया कि भाई अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करो। अब मैं कहूँगा कि अगर मेरा ये डॉलर एरर एम्प्टी है तो मैं लिखूँगा इफ़ एम्प्टी और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर एरर, यानी कि मेरा कोई एरर आया ही नहीं, तब क्या करूँगा, मैं प्रिपेयर करूँगा अपने SQL स्टेटमेंट को। मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉलर SQL इज इक्वल टू और उसके बाद मैं लिखूँगा सेलेक्ट ID यूज़र नेम पासवर्ड और उसके बाद मैं लिखूँगा फ्रॉम यूज़र्स वेयर, मैं अजीब सा गाना गा रहा हूँ, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये MySQL का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। इसमें मैं क्या करूँगा, बाइंड करूँगा अभी वेरिएबल्स को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा MySQLi underscore stmt underscore bind underscore param, याद हो गए सारे के सारे फंक्शंस मुझे काम करते करते, stmt, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस बोलूँगा इस बात को, याद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक चीट शीट बना लें और आप लोग फ्यूचर में अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर ये डॉलर परम अंडरस्कोर यूज़र नेम, तो मैंने stmt में बाइंड कर दिया गया परम अंडरस्कोर यूज़र नेम। अभी मैं सेट करूँगा परम यूज़र नेम को, मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉलर परम अंडरस्कोर यूज़र नेम। मैं ज़्यादा कमेंटिंग अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, वापस से वही करूँगा जो मैंने रजिस्टर में किया था। मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं ट्राई करूँगा ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं कह रहा हूँ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टोर कर दूँगा रिजल्ट को और सिंपली मतलब वही है, बाकी सब कुछ यही है, ठीक है। तो मैंने स्टोर किया इस रिज़ल्ट को और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इफ़ ये लिखा और मैं इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर घुसूँगा। इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टोर रिज़ल्ट करूँगा एक तो, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि यार कहीं यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तभी आगे बढ़ूँगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूँगा। यही काम मैं कुछ रजिस्टर में भी कर रहा था, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ
और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बार ये स्टेटमेंट यहाँ डालूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि माई एस क्यू एल एस टी एम टी नम अंडरस्कोर रोज अगर मेरी इक्वल टू वन है, तब मैं क्या करूँगा, इस बार यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी से वेरिएबल को बाइंड कर दूंगा। तो देखो मैं यहाँ पर ये काम कैसे करूँगा, मैं क्वेरी से वेरिएबल को बाइंड किस तरह करूँगा, मैं लिखूँगा माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर एस टी एम टी अंडरस्कोर बाइंड रिजल्ट, बाइंड रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डॉलर एस टी एम टी डॉलर आई डी और डॉलर यूज़र नेम डॉलर हैश्ड अंडरस्कोर पासवर्ड। ये सारी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम अभी स्टोर करेंगे, टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो रिजल्ट वेरिएबल से उनको बाइंड कर दिया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माई एस क्यू एल अंडरस्कोर एस टी एम टी अंडरस्कोर बाइंड अंडरस्कोर रिजल्ट से जो रिजल्ट आएगा मेरा इस क्वेरी का, उसको बाइंड कर दूंगा अपने स्टेटमेंट से। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग करना क्या है कि अगर लॉगिन पासवर्ड करेक्ट हुआ, वो कैसे हम चेक करेंगे, हम पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के लिखता हूँ मैं, इफ माई सी क्यूल आई अंडरस्कोर एस एम एस टी एम टी अंडरस्कोर फैच और डॉलर एस टी एम टी, अगर मेरा स्टेटमेंट इज़ वैलिड तब मैं क्या करूँगा, यानी कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो कुछ रिटर्न कर रहा है, तब मैं क्या करूँगा, यानी कि यूज़र नेम है मेरे डेटाबेस में, अब मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम है तो पासवर्ड को वेरीफाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई, तो पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई में मैं क्या डालूँगा, डालूँगा सबसे पहले जो पासवर्ड एंटर किया यूज़र ने, जो पासवर्ड एंटर किया यूज़र ने, फिर जो हैश्ड पासवर्ड है, हैश्ड पासवर्ड क्या है, हैश्ड पासवर्ड मेरे डेटाबेस में से निकाला है मैंने, अभी यहाँ पर बाइंड किया ना रिजल्ट, तो मैंने हैश्ड पासवर्ड अपने डेटाबेस में से निकाला है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर पासवर्ड करेक्ट हुआ तो दिस मीन्स द पासवर्ड इज करेक्ट, अलाउ यूज़र टू लॉग इन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अलाउ यूज़र टू लॉग इन, यानी कि आपका यूज़र जो है वो बिल्कुल सच्चा यूज़र है। सेशन स्टार्ट कर दो भाई, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है, सेशन स्टार्ट करो और क्या करो, सेशन वेरिएबल्स को सेट करो। तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और मैं कुछ ऐसे करूँगा और इक्वल टू लिखूँगा इसके बाद, और यहाँ पर इनको थोड़ा सा दो चार बार रेप्लीकेट कर लूँगा, क्योंकि मैं कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे भी सेट करने वाला हूँ। एक तो मैं यूज़र नेम सेट करने वाला हूँ सेशन में, एक मैं आईडी सेट करने वाला हूँ, और एक मैं सेट करने वाला हूँ यूज़र नेम, सॉरी लॉग्ड इन। तो लॉग्ड इन क्या करेगा, लॉग्ड इन एक बाइनरी वेरिएबल है जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। आईडी क्या करेगा, जो मेरी आईडी है उसको डाल देगा इसमें, और मेरा जो यूज़र नेम है उसको मैं क्या करूँगा, डॉलर यूज़र नेम। तो आप अपने हिसाब से इनको सेट कर लेना, मैं यहाँ पर इस बात की डिबेट में नहीं जाना चाहता कि क्या चीज़ हमको सेशन में स्टोर करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग खुद देख लेना। अब मैं लिखूँगा यू रीडायरेक्ट यूज़र टू वेलकम पेज, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा हेडर और यहाँ पर लिख दूंगा लोकेशन कोलन वेलकम डॉट पी एच पी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम और यहाँ पर मैं लॉग आउट लिख देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ अभी हम इन दोनों पेज को भी बनाएंगे। तो यार चलो अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, लाइन नंबर 47 में एरर है, देखते हैं क्या है, सेमी कॉलन नहीं लगाया है, चल जाना भाई अब इस बार चल गया, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डालूँगा हैरी और यहाँ पर डालूँगा हैरी 1 2 3, और मैं जैसे ही डालूंगा यहाँ पर, ये देखो इसने मुझे कुछ कुछ एरर दिखा दिए, 26 26 29। तो ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल एस टी एम टी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले जाऊँगा लाइन नंबर 26 में, तो लाइन नंबर 26 में मैंने एस टी एम टी नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डालना पड़ेगा एस टी एम टी इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर प्रिपेयर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये एरर आ क्यों रहा है, मैंने यहाँ पर गलती क्या करी है। तो लाइन नंबर 26 में आ रहा है, कह रहा है आपका जो एस टी एम टी है वो आपने सेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे सिंपली करना क्या पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा डॉलर एस टी एम टी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर एस टी एम टी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर एस टी एम टी एम टी आर एन टी नहीं एम टी इज इक्वल टू माई सी क्यू एल आई अंडरस्कोर प्रिपेयर डॉलर कॉन और उसी के साथ साथ मैं डॉलर एस क्यू एल लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैं अगर वापस से हैरी और हैरी 1 2 3 करके लॉगिन करूँ तो इस बार देखो इसने कुछ नहीं किया, तो ये इसने क्यों किया और कोई एरर भी नहीं आया। मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ और कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैरी और यहाँ पर हैरी 1 2 3।
तो यार एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने यहाँ पर करी है वो ये करी है, जब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि एरर आ रहा है कि नहीं मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड ब्लैंक तो नहीं है, तब मुझे उसके एल्स पे कम से कम यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट तो कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर यूज़र नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ के सेमी कॉलन लगा के कंट्रोल डी करूँगा, और इसको मैं बना दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पर यूज़र नेम, इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, इससे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है सेट हो जाएंगे। और मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पर, मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, तो मैं ट्रिम कर देता हूँ यार इनको। ट्रिम से क्या होगा कि आगे और पीछे से वाइट स्पेसेस हटा देता है वो, तो ये किया मैंने। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि इसको बंद कर दूंगा कुछ इस तरह। तो यार मैं आशा करता हूँ कि अभी आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। यार इस तरह के एरर आप लोग भी करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो ट्रिम में मैंने ये गलती कर दी, फिर से कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ लॉगिन डॉट पीएचपी को, अब डालता हूँ हैरी, और यहाँ पर डालता हूँ हैरी 123, और ये देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, लॉगआउट बनाना है। लॉगआउट बनाता हूँ ताकि मैं लॉगआउट हो सकूँ और आगे मैं कुछ कर सकूँ। तो लॉगआउट डॉट पीएचपी बनाना एकदम आसान है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी तोप है ही नहीं, सबसे आसान काम है। सिंपली आप लोग भी हंसोगे कि यार ये तो मतलब मजाक ही हो गया हैरी भाई, इतना आसान है। बस हमें क्या करना है, एक इनबिल्ट फंक्शन को इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय कर देना है सेशन को। मैं आपको दिखाता हूँ, तो सेशन को स्टार्ट करो, सेशन को किया स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, डॉलर अंडरस्कोर सेशन सेशन इज इक्वल टू एरे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, दैट्स इट। एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया सेशन, फिर क्या करो, सिंपली आप हैडर कर दो यहाँ पर, यानी कि रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, लॉग इन डॉट पी एच पी, दैट्स इट। मैं यहाँ पर कमेंटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। लॉगआउट डॉट पी एच पी स्लैश लॉगआउट डॉट पी एच पी, देखो लॉग इन में आ गए लॉगआउट होके। अब मान लो यहाँ पर कोई गलत डालता है लॉग इन यूज़र नेम और पासवर्ड, ऐसे ऐसे कर देता है कोई, तो वो लॉग इन नहीं कर पाएगा सिंपली। और जैसे ही मैं करेक्ट लॉग इन डालूंगा तब क्या होगा, तब मैं लॉग इन कर पाऊंगा वेलकम। लेकिन वेलकम कौन, तो चलो वेलकम पेज भी डिज़ाइन करते हैं ताकि हम यूज़र को अच्छे से वेलकम कर पाएँ। और वेलकम में हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम हम लोग लेंगे यूज़र का। तो मैं काम करते हैं यहाँ से, थोड़ी सी जो टेम्पलेट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आलस आ रहा है। और यहाँ पर हमने सेशन को स्टार्ट किया, अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा सेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा इफ़ नॉट ऑफ इज सेट डॉलर सेशन और लॉग्ड इन, ठीक है। अगर सेट नहीं है हमारा लॉग्ड इन जो है, ध्यान से आप सुनना इस बात को, अगर मेरा लॉग इन सेट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर अंडरस्कोर सेशन लॉग्ड इन, या फिर अगर सेट है तो वो ट्रू के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, वो ट्रू के बराबर नहीं है। तो क्या करूँगा मैं कहूँगा कि भाई रीडायरेक्ट हो जाओ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको लॉग इन डॉट पी एच पी में भेज दूंगा। वरना मैं क्या करूँगा, एल्स उसका मैं स्वागत करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एको वेलकम, और मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एल्स ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मैंने बूटस्ट्रैप की जो मेरी टेम्पलेट थी उसको मैं रखूँगा रिटेन्ड। तो मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ नीचे तक, ताकि यार हेडर वगैरह सब आ जाए। और मैं अपने यहाँ पर लिखूँगा, जहाँ पर ऊपर मेरा कहाँ गया, मैं सिंपली कॉन्टेक्ट अस की जगह लिख देता हूँ, या फिर एक और लिस्ट आइटम बना लेता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा एको, और उसके बाद पी एच पी इंसर्ट करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, पी एच पी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एको, और एको क्या, मैं यहाँ पर लिख दूँगा वेलकम, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वेलकम के बाद उसका जो भी उसका सेशन यूज़र नेम है वो, ठीक है, जो भी आप शो करना चाहते हो, आप कुछ और शो करना चाहते हो तो वो कर देना, ठीक है, ये आपके हाथ में रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया, अब देखता हूँ वेलकम पेज इंप्रूव हुआ कि नहीं। तो ये देखो वेलकम हैरी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो यार अगर कोई भी इंसान यहाँ पर गलत पासवर्ड डालता है तो वो लॉग इन नहीं कर पा रहा है, हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख ली है। अब यहाँ पर लॉग इन पेज को मुझे थोड़ा सा ठीक करना था, मैं यहाँ पर हैरी लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर हैरी 123 लिखता हूँ, तो ये वेलकम हैरी यहाँ पर आ रहा है। मैं यार इसको एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक और एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डेव क्लास इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा नेव बार। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ को बहुत ही फास्ट करूँगा। और वैसे बूटस्ट्रैप में कुछ सीखने लायक है भी नहीं, आप लोग सिंपली एक वीडियो देख लें मेरा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा यूएल क्लास इज इक्वल टू नेव बार नेव,
और यहाँ पर एम एल ऑटो, ठीक है। एम एल ऑटो करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यू एल को बंद कर दूँगा और डिव को भी बंद कर दूँगा। और इसको बंद करने के बाद ये वाला जो लिस्ट आइटम है इसको कंट्रोल एक्स करके मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा और इसको रिलोड करके देखता हूँ। हाँ यार अब मज़ा आ रहा है, वेलकम हैरी लिख के यहाँ पर आ गया। इसको और फैंसी बनाने के लिए आप फैव आइकन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोग को फैव आइकन दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फैव आइकन लॉगिन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लॉगिन या फिर यूज़र, कुछ ऐसे लिख दो, यूज़र लॉगिन आइकन्स, फैव आइकन में आ गए हैं। देखो काम करते हैं यहाँ पर, यूज़र सर्च करते हैं ताकि मुझे एक फ़ोटो मिले यूज़र की। तो मैं एक फ़ोटो का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये यूज़र की इमेज मुझे अच्छी लग रही है, देखता हूँ यार ये काम करती है कि नहीं करती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर सिंपली मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट करने की सोच रहा हूँ, कंट्रोल वी किया मैंने। अब देखता हूँ यहाँ पर मेरा जो लॉगिन पेज है वो कैसा दिखता है, और कंटिन्यू। और हाँ यार मेरा लॉगिन पेज अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाइट कलर की मिल जाती तो और मज़ा आ जाता। तो चलो यार अब यहाँ पर ना वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि लालच आता है यार, ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता। तो मैं वही कर रहा हूँ, मुझे भी लालच आ रहा है अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने का। और इस तरह के लालच अच्छे भी हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव नहीं करोगे तो। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल से सेव कर दिया है और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं खो गया हूँ, नहीं मैं खोया नहीं हूँ, कंटिन्यू। और ये तो हाँ यार अब देखो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पुरानी वाली भी ठीक ही थी। तो यार आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लेना कौन सी अच्छी लग रही है इमेज आपको, और बाकी सब तो ठीक ही है यार। अब बॉर्डर वॉर्डर लगा लेना, CSS से एडजस्टमेंट कर लेना, लेकिन यार मुझे सिंपली आप लोग को क्या करना था, दिखाना था कि ये चीज़ किस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर और करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर नेवर आइटम में एक्टिव ऑल लिख दूंगा यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए और मज़ा आए इसको देखने में। तो अब देखो देखने में मज़ा आ रहा है इसको, थोड़ा सा देखने में मज़ा आ रहा है ना। और यहाँ पर ये इमेज तो काली पे काली हो गई है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक छोटा आइकन कोई ढूंढ रहा हूँ वाइट कलर का, ताकि यार थोड़ा सा अच्छा तो दिखे यार कम से कम वेबसाइट हमारी। तो यूज़र अवतार, इसको मैं HTML लेके इसकी मैं यहाँ कॉपी करूँगा। आप लोगों को कहोगे कि यार रेडी भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो ये करके, लेकिन यार जब तक वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती ना यार मज़ा नहीं आता, तो मुझे माफ़ कर देना यार। तो कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पर, मैं आ गया अपने PHP लॉगिन फॉर्म में, कंटिन्यू। ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो छोटा वाला लेते हैं। यार कहाँ गया मेरा यूज़र अवतार, ये आ गया मेरा HTML, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा। और आप लोग जो है इस तरह की ट्विकिंग खुद भी कर सकते हो यार, लेकिन अभी मैं जो ट्विकिंग कर रहा हूँ वो हो सकता है कई लोगों को अनॉइंग लगे कि यार मैं क्या करे जा रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यार एक अच्छा सा इमेज डाउनलोड कर लेना और उसको शो कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो अब अच्छा लग रहा है यार, अब मुझे मज़ा आ रहा है। ये यार अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यार अभी वेलकम हैरी लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यार वेलकम हैरी भी लिखा हुआ है और यार लॉग इन हेयर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं जाता हूँ अपने वेलकम पेज में और यहाँ से इसको हटाता हूँ। तो मैं वर्ड रैप को टॉगल करता हूँ सबसे पहले। तो मैंने वेलकम हैरी यहाँ पर लिखा है और ये यू कैन नाउ यूज़ दिस वेबसाइट लिखता हूँ साइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से वेलकम, और यहाँ पर नाम लिखूँगा और फिर उसके बाद ये लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह एको करा दूँगा इसको वापस से। तो यहाँ पर वापस आएगा लिख के वेलकम हैरी, यू कैन नाउ यूज़ दिस वेबसाइट। तो मैं कंटिन्यू करूँगा तो कह रहा वेलकम वेलकम हैरी, दो बार वेलकम आ गया। एक बार वेलकम हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, इसको रिलोड किया और ये देखो वेलकम हैरी, यू कैन नाउ यूज़ दिस वेबसाइट। और ये नीचे से फॉर्म है इसको भी हटा देता हूँ। तो यार बाकी काम तो आप लोग खुद कर ही लोगे यार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो यार मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को ये हमने लॉगिन सिस्टम किस तरह बनाया। चलो अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लॉगआउट बटन भी बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके जो यहाँ पर मैंने अभी नैव बार बनाया है ना, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। तो नैव बार मैं एक बनाऊंगा सिर्फ। देखो नैव बार में क्या क्या रहेगा, एक तो होम रहेगा हमारा, ठीक है। होम कहाँ लेकर जाएगा, होम लेकर जाएगा वेबसाइट के /register.php पे, कि आप अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो। फिर हमारा, या फिर एक काम करते हैं, होम कहीं लेकर नहीं जाएगा, ठीक है, होम को ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, एक हमारा लॉगिन रहेगा, लॉगिन रहेगा, लॉगिन कहाँ लेकर जाएगा, /login.php पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने लॉगिन पर लेकर के आप लोगों को रजिस्टर पर लेकेगा, लॉगआउट तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पर, लॉगआउट, ठीक है, ये लेकर जाएगा /logout.php पर। अब देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर, रिलोड किया मैंने, ठीक है, लॉगआउट हुआ तो कह रहा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऐसा क्यों किया इसने। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्लैश नहीं करना है, मुझे यहाँ पर बिना स्लैश के इसको लिखना है, ताकि ये सही जगह पर लेकर जाए। कंट्रोल एस किया, बैक किया, रिलोड किया
और लॉग आउट किया, देखो लॉग आउट हो गया मैं, ठीक है। और यही जो मेरा नेविगेशन बार है इसको मैं कॉपी करूँगा, ये जो यू एल वाला है इसको मैं कॉपी कर दूँगा अपने सब जगह। लॉग इन में भी इसको कर देता हूँ, यू एल को मैं कॉपी, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। रजिस्टर में भी मैं अपने यू एल को जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा यू एल, यू एल ये रहा मेरा यू एल, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मैं अगर सिर्फ अपनी इस वेबसाइट पर जाऊँ स्लैश लॉगिन पे, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, मैं अपने रजिस्टर डॉट पी एच पी में जाता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम मैं लगता हूँ रोहन, और पासवर्ड मैं रोहन वन रखूँगा, और मैं यहाँ पर रोहन वन रखूँगा पासवर्ड, साइन इन कर दूँगा। अब रोहन वन और रोहन वन, सॉरी रोहन था मेरा लॉगिन, सबमिट, तो कह रहा वेलकम रोहन, यू कैन नाउ यूज़ दिस वेबसाइट, पासवर्ड सेव नहीं करूँगा। देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितना अच्छा किया। अब इस वेबसाइट में क्या नहीं किया मैंने, देखो यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ गया, ये मैं दिखाना चाहता था आपको क्या नहीं किया मैंने यहाँ पर। मैंने यहाँ पर कुछ else स्टेटमेंट्स को हैंडल नहीं किया है, यानी कि मैंने ये हैंडल नहीं किया कि अगर पासवर्ड मैच नहीं हुए तो कुछ एको करके दिखा दे यहाँ पर, कुछ आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, डिसमिसेबल हमारे बूटस्ट्रैप में होते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और डिसमिसेबल अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। देखो डिसमिसेबल अलर्ट्स कुछ इस तरह दिखते हैं, ये रेड कलर के आप लोग यूज़ कर सकते हैं और यूज़र इसको कुछ इस तरह बंद कर सकता है। तो आप लोग जाएं मेरे चैनल पर, बूटस्ट्रैप सीखें, जेक्वेरी सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें और अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को आगे बढ़ाएं। पीएचपी एक अच्छी लैंग्वेज है, लर्न पीएचपी इन वन वीडियो भी आप लोग देखना, मैं पीएचपी को इनकरेज करता हूं इनफैक्ट, क्योंकि पीएचपी एक बहुत सिंपल वेब डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज है और काफ़ी आसान बनाती है चीज़ों को। मुझे कभी वेबसाइट ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड, उसमें मशीन लर्निंग और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, तो मैं पीएचपी इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करता हूं। तो अब मुझे यहां पर करना क्या है कि आप लोग को बताना है कि आप लोग क्या क्या और कर सकते हैं इस वेबसाइट में। देखो लॉगिन सिस्टम तो मैंने इसको ऐसा बना दिया है कि आप लोग किसी भी वेबसाइट पर प्लगइन कर सकते हैं, तो मैं इसका कोड आपको दे दूंगा, उसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाना कोड आपको। और मैं काम करने की और कोशिश करूँगा इसमें, थोड़ा कमेंटिंग थोड़ा अच्छी कर दूँगा, क्योंकि कुछ जगह मैंने कमेंटिंग नहीं करी है। आप लोग को अब एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने एल स्टेटमेंट्स को नहीं रखा है आप लोग को रखना है। नीचे अभी कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड आप लोग लिख दो, जितने लोग चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे सबको एक एक दिल दूंगा मैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं और नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और मुझे सॉल्व कर देते हैं इस चीज़ को। इसको इम्प्रूव करना है आप लोगों को, मुझे कोड नीचे देना आप लोग, और यार अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कर देना यार। मेरी आवाज़ चेंज हो गई क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ जो है बोलते बोलते मैं थोड़ा लाउड भी बोलता हूँ, थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन ठीक है यार, अगर आप लोग को समझ में आया तो वसूल हो गई मेरी आवाज़ का जो बैठना है वो। तो यार मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग को और इस तरह के वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने यहाँ तक देखा, और कमेंट्स का इंतजार तो रहता ही यार। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, काफ़ी चीज़ें मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी और काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ डेली बेसिस पे, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट इन वन वीडियो बना के पूरा दिखाया आप लोग कैसे बनती है वेबसाइट। तो यार ये सारी चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, तो मैं कहूँगा कि यार आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, तो यार नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना सब लोग कि ये काम कैसे किया जाएगा। देखो बेसिकली मैंने बना दिया है पूरा सही से इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा एनहांसमेंट आप लोगों से कह रहा हूँ करने के लिए, वो कर देना और मैं देखता हूँ कितने लोग करते हैं। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।